सो ये है वन प्लस का सबसे सस्ता फोन जो कि आता है अंडर 20,000 और मैंने इसको परचेज किया है लगभग 12,500 के आसपास। कहां से परचेज किया और कैसे परचेज किया मैंने इस फोन को इतना सस्ते में, कैसे हैं इस फोन के कैमरास, बैटरी और जितना बड़ा इसका नाम है क्या उतनी आपको इस फोन से परफॉर्मेंस मिलने वाली है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू VTube नेटवर्क। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। सो अमेजोन से ऑर्डर किया मैंने वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G को, जहाँ पे आपको बॉक्स मिल जाता है कुछ इस तरह का, ब्लैक कलर में नोट लिखा हुआ, इसके ऊपर हमने पॉली को रिमूव कर दिया। सो कुछ इस तरह से ब्लैक कलर के अंदर में बॉक्स मिलता है, जहाँ पे एक तरफ आपको वन प्लस का लोगो मिल जाता है, दूसरी तरफ आपको वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G लिखा हुआ मिल जाता है। 6GB 128GB वाला वेरियंट है जिसको मैंने परचेज किया, कलर ब्लैक डस्क है। फटाफट से हम यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं अपने फोन को। सो बॉक्स ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक सबसेट मिल जाता है, जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक क्लियर केस मिल जाता है वन प्लस की तरफ से ही, जिसकी क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट है और फोन की यहाँ पे कवर से पता चल रहा है कि फोन हमारा थोड़ा सा राउंड कर्व्स रहने वाले हैं, इसके एजेस फ्लैट फोन ये नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सिम इजेक्टिंग पिन मिल जाती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है नोड की तरफ से, जहाँ पे डियर फ्रेंड करके एक स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए है, अगर ये फोन परचेज करोगे तो इसको पढ़ना जरूर। इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड जैसा दिखने वाला रेड केबल क्लब कार्ड मिल जाता है, जो की मेंबरशिप कार्ड है वन प्लस वालों का। साथ में मिलते हैं कुछ स्टिकर्स वन प्लस है नोड के, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, खैर इनको कोई भी नहीं पढ़ता। तो ठीक इनके नीचे आपको मिल जाता है आपका फोन, बट इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, उससे पहले बाकी की चीजें भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं बॉक्स की। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चार्जर मिल जाता है, जो कि एक फास्ट चार्जर है, देखने में ब्रिक का साइज बड़ा जरूर है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 33 वोल्ट का ही चार्जर मिलता है। खैर ये एक बजट फोन है, तो कॉस्ट कटिंग आपको कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाती है रेड केबल, जैसे कि वन प्लस के साथ आपको मिलती है, चार्जिंग के लिए आपको Type-A to Type-C ये केबल मिल जाती है। सो काफी कुछ था बॉक्स के अंदर, बट आपको कोई भी यहाँ पे ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। फटाफट से चलते हैं हम यहाँ पे अपने फोन की तरफ। सो एक प्लास्टिक रैप आता है इसके ऊपर, इसको फटाफट से हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा फोन जो है वो टोटली अनबॉक्स है, अनरैप हो चुका है। एक स्टिकर और है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा फोन जो है अब हमारे हाथ में आ चुका है और काफी अच्छा यहाँ पे इसका मैट फिनिश जो है ये लग रहा है दिखने में। ऊपर की तरफ भी आपको कुछ यहाँ पे डिजाइन मिल जाता है, बट नीचे वाला जो ये मैट फिनिश है ये काफी सही लग रहा है। तो कोई ग्लास बॉडी या एल्युमिनियम आपको यहाँ नहीं मिलता, पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, रियर के अंदर प्लास्टिक बॉडी है। सो इन हैंड फीलिंग में उतना प्रीमियम नहीं लगता, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन मिलता है, बट उतनी ज्यादा लाइन्स भी यहाँ पे नहीं है। बाकी फोन को यहाँ पे स्लिम रखा गया, इवन आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फिर भी यहाँ पे फोन जो है वो थिन एंड लाइट वेट है और थोड़ा सा कर्वी है, पीछे की तरफ से फ्लैट नहीं है ये फोन। यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है, जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है यहीं पर, और दूसरी तरफ सेंटर से थोड़ा ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर कीज भी मिल जाते हैं, और ठीक उनके ऊपर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड को भी लगा सकते हो। नीचे की तरफ मिलते हैं स्पीकर्स और आपको Type-C चार्जिंग के दिए, और यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। तो काफी सारे फोन इसको रिमूव करी जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। वन प्लस के फोन में जो आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है वो इस फोन के अंदर मिसिंग है। बाकी ओवरऑल अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो वो वन प्लस वाली आपको यहाँ पे डिजाइन वाली फीलिंग जो है वो नहीं आने वाली, क्योंकि थोड़ा सा उनका ये बजट कैटेगरी में फोन आ जाता है। फटाफट से हम यहाँ पे फोन को बूट कर लेते हैं और फटाफट से इसका फर्स्ट सेटअप भी कर लेते हैं। वैसे दो कलर ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला फोन देखने को मिल जाता है, एक है ब्लैक डस्ट एंड सेकंड वन इज ब्लू टाइड। वैसे आपको वन प्लस वाली यहाँ पे डिजाइन देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल आपको यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट डिजाइन मिल जाता है इस फोन के हिसाब से, क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिटर है सेम प्राइसिंग के अंदर उसके भी आपको लगभग ऐसा ही डिजाइन मिलता है। सो फोन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है और सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो है इस फोन की LCD डिस्प्ले। जी हाँ, आपको इसके अंदर LCD डिस्प्ले मिलती है IPS टेक्नोलॉजी के साथ, आपको यहाँ पे कोई भी AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलने वाली। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफी अच्छी चीज बन जाती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बाकी डिस्प्ले जो है वो आपको 6.59 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है, पंच होल कटआउट के साथ डिस्प्ले मिल जाती है, और कैमरा साइड पे मिलता है जो कि सेंटर से ज्यादा सही लगता है पर्सनली मुझे। बाकी आप यहाँ पे बेजल्स भी चेकआउट कर सकते हो, आपको थिन बेजल्स मिलते हैं, नीचे चिन आपको थोड़ी सी आपको थिक लग सकती है, बाकी ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले आपको सही मिलने वाली है। हाँ, AMOLED का मुकाबला नहीं हो सकता है LCD डिस्प्ले के साथ, आपको जरूर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी AMOLED डिस्प्ले से यहाँ पे कंपेयर करोगे तो। बट यहाँ पे जो 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है वो यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से आपको काफी अच्छी चीज मिल जाती है। एक वीडियो भी हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं, और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, यूट्यूब पे यहाँ पे 4K वीडियो इसके अंदर नहीं चलती, सिर्फ आपको 1080p तक का सपोर्ट मिलेगा। बाकी फिर से वही कहूंगा कि यहाँ पे क्वालिटी डिस्प्ले की सही है, ब्राइटनेस आपको उतनी नहीं मिलेगी जो कि एक AMOLED डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है, बट आप व्यूइंग एंगल्स भी चेकआउट कर सकते हो, IPS होने की वजह से यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स भी सही मिल जाते हैं। स्टार्टिंग
एंडिंग में कह चुका हूँ कि ये वन प्लस का एक बजट फोन है, सो यहाँ पे आपको कोज कटिंग जरूर देखने को मिलेगी। सो आपको डिस्प्ले के मामले में भी यहाँ पे एमोलेड नहीं मिलती, हालांकि एमोलेड मिलती देन इट वुड बी बेटर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज भूल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक्स अ लॉट, एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दो। बाकी साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट है। आपका थंब यहाँ पे टच होते ही फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है, जो कि इस फोन के लिए एक अच्छी चीज बन जाती है। कई बार जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो उतने फास्ट काम नहीं करते जितना यहाँ पे साइड बटन वाले काम कर जाते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फेस आईडी भी मिल जाती है, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट आपको मिल जाती है। इस फोन के अंदर आपको थर्ड पार्टी एप्स भी ज्यादा यहाँ पे डाउनलोडेड नहीं देखने को मिलेंगी। कई बार काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, आपको फालतू में काफी सारी एप्स मिल जाती है। कुछ एप्स है नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई जैसी, बट वो भी काफी लोगों के काम की ही ऐप है। सो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एप्स ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, जिनको आपको बैठ के अनइंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे काम के फीचर्स आपको इस फोन के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डार्क मोड मिल जाता है, आई कंफर्ट मोड मिल जाता है जो कि ब्लू लाइट को थोड़ा कम कर देता है और स्क्रीन को थोड़ा सा येलोइश कर देता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की भी आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरा की, इस फोन की कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है, कितने मेगापिक्सल है। तो 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है विद EIS। इसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ एंड मैक्रो लेंस मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। और अगर आप वेट कर रहे हो कि वाइड एंगल तो बताया ही नहीं, तो इस फोन के अंदर आपको वाइड एंगल नहीं मिलता, जो कि कॉम्पिटिटर्स अपने फोन के अंदर प्रोवाइड करते हैं और काफी ज्यादा यूजफुल रहता है वाइड एंगल, खासकर व्लॉगिंग के टाइम पे, बट यहाँ पे वो मिसिंग रहने वाला है। खैर फोटोज यहाँ पे काफी सही आती है, आप खुद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फोटोज के मामले में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलने वाली तीनों ही कैमरा से। कलर थोड़े से आपको सैचुरेटेड मिलेंगे, जिससे फोटो थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कैची लगती है। बाकी स्किन टोन को यहाँ पे काफी अच्छे से मेंटेन किया है वन प्लस के कैमरा ने। अलग अलग लाइटिंग के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा टेस्ट शूट कर लिया, जल्द वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सेल्फी की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप खुद चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी डिटेलिंग के साथ सेल्फीज जो है वो आती है। और यहाँ पे भी स्किन टोन काफी अच्छे से मेंटेन हुआ है, ओवरऑल आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाता है इस बजट रेंज के अंदर। कॉम्पिटिटर से भी अगर यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड भी आपको यहाँ पे काफी सही मिल जाता है, उसको जूम करके भी देखोगे तो आपको यहाँ पे फोकसिंग जो है वो काफी ज्यादा सही मिलेगी और बैकग्राउंड काफी अच्छे से ब्लर हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे सही शूट हो जाती है, बट एक और चीज यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेगी, 4K वीडियोस आप नहीं शूट कर सकते इस फोन से, चाहे वो रियर कैमरा की बात हो चाहे फ्रंट कैमरा की बात हो। 4K का आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। खैर आपको बाकी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद चेकआउट कर सकते हो कि रियर कैमरा की यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन काफी ज्यादा सही आई है। फ्रंट के अंदर थोड़ा सा फोन जो है यहाँ पे ज्यादा शेक हो रहा है, बट रियर कैमरा से स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे सही आई है। माइक्रोफोन में आपको नॉइस कैंसिलेशन जरूर मिल जाता है, बट फिलहाल मुझे माइक्रोफोन थोड़ा सा एवरेज लगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम रैम एंड प्रोसेसर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट है जो कि मेरे पास है, बट जैसा कि आजकल सभी फोन्स के अंदर मिलता है, यहाँ पे भी आपको 6GB के साथ एक 5GB की वर्चुअल रैम एक्सटेंशन मिल जाती है। और इसी के साथ आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 695 5G ऑक्टा कोर मिल जाता है। ऑक्सीजन ओएस के साथ ये फोन आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। एंड एक और अच्छी चीज आपको क्या मिल जाती है कि आपको इसके अंदर 2 एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलेंगे, जिसका मतलब है कि आपको एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 14 भी इस फोन के अंदर मिलेगा। साथ में 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको इस फोन के अंदर जरूर मिलेंगे। तो ये फोन जो है वो गेमिंग के लिए भी सही रहने वाला है, आपको इसके अंदर BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों के अंदर ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छे से इसका रिव्यू करेंगे, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, स्पीड टेस्ट सब कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आपको इसके अंदर 5000mAh की बैटरी भी मिल जाती है, जो कि एक सही चीज बन जाती है इस फोन के लिए। बैटरी की इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको टेस्ट करके जरूर बताऊंगा फुल रिव्यू वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो ये फोन आपको लगभग 20,000 रुपए का मिलता है Amazon के ऊपर, बट मैंने इस फोन को लगभग 12,500 का परचेज किया। कैसे परचेज किया, पहले तो मैंने यहाँ पे ICICI का कार्ड लगाया जिससे मुझे डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर के अंदर मैंने अपना 4 से 5 साल पुराना Honor 9i करके एक फोन था जिसको मैंने एक्सचेंज किया, लगभग मेरा 5,000 के आसपास चला गया। उसको लगाने के बाद मेरे को ये फोन लगभग 12,500 का पड़ा। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि इस बजट के हिसाब से ये फोन सही है, बट अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो आप CE2 की तरफ भी जा सकते हो, जो इसके अंदर कमियां वो वहां पे पूरी हो जाती हैं। और कुछ फीचर जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल हो गया या फिर थोड़ा सा बैक से प्रीमियमनेस जो नहीं आती वो आपको और कॉम्पिटिटर के साथ मिल जाएगी, वो वाली चीजें, उस वजह से आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपको कम बजट के अंदर वन प्लस जैसे ब्रांड का कोई फोन चाहिए देन आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हो। दो ये वन प्लस के बाकी फोन से थोड़ा बहुत अलग है, बट स्टिल यहाँ पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी फुल रिव्यू वीडियो, गेमिंग टेस्ट एंड कैमरा टेस्ट जल्द हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।